हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बिना अनियन और बिना प्याज के जो तहरी बनती है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप ले लीजिए बासमती चावल, या कोई भी अगर आपके पास चावल है वो चावल ले लीजिए। जैसे मैंने एक गिलास चावल लिया है, मैं इसको डाल देती हूँ। मैं 1.5 गिलास चावल ले रही हूँ, तो मैं उसको डाल देती हूँ चावलों को। देखिए मैंने 1.5 गिलास चावल लिए हैं और मैं इसको डाल के थोड़ी देर फूलने को रख देती हूँ, इसको भिगो के रख देती हूँ थोड़ी देर। देखिए यहाँ मैंने धो के भिगो के रख दिया। अब मैं आगे की प्रिपरेशन करती हूँ, जो कि है तहरी बनाने की प्रिपरेशन आगे करती हूँ स्टार्ट। आप कुछ सब्जी भी ले सकते हैं जो अपनी तहरी पर डाल सकते हैं। मैंने सिंपल से मटर लिए हैं और आलू लिए हैं, जो सबके यहाँ अवेलेबल होते ही हैं। ये है फ्रोज़न मटर है, तो आपके पास फ्रोज़न मटर हो तो आप ले लीजिएगा। सिंपल से ही मैंने कोई गोभी वोभी नहीं मिलाई है, सिर्फ सिंपल से ही 2 वेजिटेबल्स बनाए। आप चाहें तो कोई भी मिला सकते हैं, ठीक है जी। तो गाइस आप ये देखिए, मैंने तहरी को धो के और भिगो के रख दिया है। इसके चावलों को आप देख सकते हैं, तो ऐसे ही इनको भिगो के रख देते हैं। और चलिए अब आगे की तहरी की प्रोसेसिंग करते हैं स्टार्ट। जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया है कि ये बिना अनियन और गार्लिक की तहरी बना रही हूँ मैं, तो इसमें सिर्फ यही चीज़ें डलेंगी जो कि है टमाटर और हरी मिर्च और अदरक, और ये एक तेज पत्ता और कुछ काली मिर्च। बस इतनी ही चीज़ें मैं डाली, क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है तो ज़्यादा भी स्पाइसी अच्छा नहीं लगता। तो सिंपल सी तहरी बना रही हूँ, तो चलिए देखते हैं, इसको काट लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे बनेगी हमारी तहरी। तो ये हमारी सब्जी मतलब टमाटर अदरक और हरी मिर्च कट के तैयार होगी। तो चलिए अब आप बनाते हैं तहरी, बहुत ही यम्मी सी, बहुत ही हेल्दी और बिना ज़्यादा स्पाइसेस की हम सिंपल सी तहरी बनाएंगे और ये बहुत टेस्टी होगी। तो चलिए बनाते हैं तहरी। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ कुकर, और कुकर में अब आपको डालना है ऑयल, जो कि आप कोई सा भी ऑयल जो इस्तेमाल करते हो वो ऑयल डाल सकते हैं। पहले मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ, फिर मैं इसमें डालती हूँ ऑयल। देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल, आप मैं थोड़ा कम ही लूँगी ऑयल, आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। तो ये मैंने ऑयल ले लिया है, अभी ये गर्म होगा, उसके बाद मैं और चीज़ें डालूँगी। देखिए ऑयल गर्म हो रहा है, अभी ये धीरे से गर्म हो जाएगा, फिर मैं आपको बताऊँगी इसमें क्या क्या डालते हैं। तो ऑयल को गर्म हो जाने दीजिए अच्छे से, देखिए ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने दीजिएगा, तभी चीज़ें अच्छी पकती हैं। जल्दबाजी में ठंडे तेल में कुछ भी मत डालें, ठीक है जी। तो चलिए पहले ऑयल गर्म हो जाने दीजिए। देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो हम सबसे पहले डाल देते हैं इसमें जीरा। ज़रा सा जीरा डालने के बाद इसमें आप फटाफट से तेज पत्ता डाल दीजिएगा। तेज पत्ता डालने के बाद इसमें आपने जो 2-4 काली मिर्च और इसे ज़रा सी काली मिर्च आपने जो दी थी, तेज पत्ता दिया था, इसको अच्छे से गर्म हो जाने दीजिएगा। ये देखिए अभी गर्म हो रहा है। इसके बाद आपको इसमें डाल देना है वो अदरक, हरी मिर्च, ये सब डाल के फिर गैस को लो फ्लेम में ही रखें और अच्छे से इसको चलाएं। देखिए थोड़ा थोड़ा अदरक जो होता है लगता है, तो आपको मैं पहले बता देती हूँ। जब देखिए अच्छे से लाल हो जाएगा, अभी तो ये लाल नहीं हुआ, इसमें 2 मिनट लगेंगे, जब ये लाल हो जाएगा तो इसके बाद आपको टमाटर डाल। देखिए मैं इसमें टमाटर डाल दूँ। गाइस ये रेसिपी बहुत ही ईजी है, जिसे आप बहुत फटाफट बना सकते हो। ये बहुत ईजी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, बस जब आपका मन करे आप फटाफट से अपना सामान निकालिए। ये सब ये तो हमेशा घर में अवेलेबल रहता ही है सामान, और फटाफट से आप इसको बना लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखिए ये यहाँ पे गरम हो रहे हैं, मतलब अच्छे से पक रहे हैं टमाटर, तब तक मैं इसमें 1 चम्मच नमक डालना चाहूँगी। नमक आप 1 चम्मच इसलिए डालें क्योंकि जो हमारे टमाटर हैं फटाफट से पक जाएं और जल्दी से हमारी तहरी बन जाए। चलिए देखिए हमारे टमाटर पक रहे हैं,
और इसी टाइम पे आप चाहें तो हल्दी भी डाल सकते हैं। इसी तरह से मैंने हल्दी भी इस टाइम पे डाल दी है, ये अच्छे से पक रहे हैं। इसको आप 2 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए, ऐसे आप इसको ढक के रख दीजिए, लो फ्लेम कर लीजिए और अब 2 मिनट बाद से खोलिएगा। 1-2 बार बीच बीच में इसको खोल के देखते रहिए ये पका है कि नहीं। अभी तो मेरा नहीं पका, मैं एक बार इसको चला लेती हूँ। अच्छे से लो फ्लेम में इसको पक जाने दीजिएगा, तभी फ्लेवर आते हैं उभर के। ये अब मेरा थोड़ा सा देखिए आप मैश होने लगा है, अब ये पूरा मैश होने लगा है अच्छे से। ये देखिए अच्छे से मैश होने लगा है ये, तो इस पॉइंट में हम, इसने तेल भी छोड़ दिया तो इस पॉइंट में अब हम मसाले डालेंगे। तो चलिए मसाले डालते हैं। सबसे पहले मैं डालूंगी धनिया पाउडर, देखिए सबसे पहले मैंने डाल दिया है 2 टीस्पून या 2 स्पून या 1.5 स्पून, आप इसमें जैसी मसाले की क्वांटिटी चाहते हैं डाल दीजिए धनिया। उसके बाद मैंने डालना है इतनी सी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा लाल मिर्च खाते नहीं है, बस कलर के लिए ये मैं ज़रा सी लाल मिर्च डाल रही हूँ, कलर अच्छा आ जाएगा। थोड़ी सी डाली कलर वाली है तो मैं ज़रा सी डाली हूँ लाल मिर्च। उसके बाद ज़रा सा गरम मसाला ज़रा सा डालिएगा, ज़्यादा मत डालिए, गरम मसाला बहुत तेज होता है गर्मियों में, ज़्यादा गरम मसाला नहीं डालना चाहिए सब्जियों में ज़्यादा। ये तो चावल का थोड़ा टेस्ट के लिए मैं डाल रही हूँ। ये सब इसको मिला के आप अच्छे से ढक के रख दीजिए। इस पॉइंट पे मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर आप थोड़ा और चटपटा खाना चाहते हैं या आप में और टेस्ट चाहिए आपको, तो इस पॉइंट में आप मतलब कि मैजिक मसाला जो मैगी का आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका फ्लेवर और इन्हेंस होगा और चटपटा होगा। और हम लोग यहाँ पे चटपटा कम खाते हैं तो हम लोग ने वो स्किप किया हुआ। अगर आपको खाना है तो आप ज़रूर डालें, और चटपटा फ्लेवर लाने के लिए मैगी मसाला ज़रूर डालें, तो आपकी और भी टेस्टी तहरी बनेगी। ठीक है जी, यहाँ पर मैं थोड़े से टेस्ट के लिए मैगी मसाला तो नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, तो मैं ज़रा सा किचन किंग मसाला डाल रही हूँ। आपको अगर मैं किचन किंग को डालनी, इसमें तो सब्जियों में डलता है, आई नो ये सब्जियों में डलता है, लेकिन मैं इसको इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा फ्लेवर और अच्छा होगा और ज़्यादा आपका खट्टा भी नहीं होगा। तो मैं ज़रा सा पॉइंट पे, जब आपका मसाला अच्छे से तेल छोड़ दे मसालों को डालने के बाद, तब इसमें आप ज़रा सा हल्का सा पानी डालिए और इसको फिर चलाइए अच्छे से। देखिए इसने तेल तो पूरा छोड़ दिया है। अब आप डालिए सब्जियाँ जो आपको जो भी आपको पसंद है सब्जियाँ तहरी में खाना, वो आप डाल सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो। मैं तो ये डाल रही हूँ आलू और मटर। तो देखिए आलू और मटर को मैंने डाल दिया है, गैस को लो फ्लेम में ही रखें और इसके बाद इसको अच्छे से चलाइए, अच्छे से इसको भून लीजिए, मतलब बहुत ही अच्छे से इसको भून दीजिए और इसको भी इस पॉइंट में 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 2 मिनट इसको छोड़ दीजिए, इसको अच्छे से भूनने दीजिए। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अब आप मेरे चैनल पे ये कहोगे कि आपका तो फैशन ट्रेंड टेस्ट मतलब फैशन से रिलेटेड है आपका चैनल, तो आप इसमें कुकिंग क्यों दिखा रही हैं? तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि मेरा ये फैशन से रिलेटेड चैनल भी है और साथ में मैं इसमें अपनी ब्लॉगिंग भी करती हूँ। तो ब्लॉगिंग में मैं आपको कुछ भी दिखा सकती हूँ, या ट्रैवलिंग हो या कुकिंग हो, तो मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ, तभी मैं आज आपको ये कुकिंग का ब्लॉग दिखा रही हूँ। ओके गाइस, तो चलिए इसको मैं तब तक बंद कर देती हूँ जब ये अच्छे से भून जाता है, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ उसका रिज़ल्ट। तो मैं अब देखती हूँ कि ये भून रहे हैं कि नहीं। तो देखिए अच्छे से इसका भी तेल सब्जियों का निकल आया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोई भी सब्ज़ी कोई भी तहरी या कुछ भी बनाना हो तो आप उसको अच्छे से पकाएं, उसका तेल निकालें, उसके मसाले अच्छे से भूनें,
तभी कोई सब्जी या कोई भी चीज़ आपकी अच्छी बन सकती। चलिए इसके बाद आपको क्या डाल देना, आपको इसके बाद डाल देने अपने भिगोए हुए चावल, जो आपने भिगोए थे वो चावल इसके बाद आपको डाल देने। इस टाइम मैं एक चीज और आपको बता देती हूँ, चावल डालने से पहले मैंने उस टाइम बहुत ही थोड़ा मतलब नमक डाला था शुरुआत में, जब मैं टमाटर को गलाने के लिए, तो मैं आधा चम्मच और डाल देती हूँ कहीं, क्योंकि कम होगा इसमें, तो अब अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपने भीगे हुए चावल डाल देने हैं। मैं उस समय वो नमक डालना भूल गई थी, सॉरी, मैं अब डाल रही हूँ आधा चम्मच और। देखिए मैंने चावल डाल दिए हैं, अब इनको अच्छे से चला लेते हैं, अच्छे से घुमा लेते हैं इसको। देख सकते हैं इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छा रहा इसका। इसको चलिए अच्छे से चला लेते हैं, फिर इसके अंदर अब आपको क्या करना है, अब आपको डालना है पानी, ठीक है जी, अब इसमें पानी डालना है। तो चलिए मैं पानी डाल देती हूँ इसमें। मैंने डेढ़ गिलास चावल भिगोए थे, तो मैं दो गिलास तो पूरा पानी इसमें डालूंगी। पहला एक गिलास डल चुका है, अब ये दूसरा गिलास। अगर आपको इससे कोई कम ज़्यादा करना है, जैसे आप खाते हो थोड़ी चीज़ या सूखी, तो अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैंने इतना डाल दिया है पानी, मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब इसमें आप इसको अच्छे से कुकर को ढक दीजिए, अब इसको आपकी इसकी विसल्स आने दीजिए, इस दो विसल्स में ये अच्छे से पक जाएगा। फिर उसके बाद बंद कर देंगे इसको, फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको कैसी बनी तहरी। देखिए हमारी पहली सीटी आ गई है, आ रही है, सॉरी। तो ये हमारी पहली सीटी आ गई है, अब दूसरी सीटी आने के बाद इसको थोड़ी देर रखेंगे, इसकी जब निकल जाएगी क्या। चलिए देख लेते हैं हमारी कैसी बनी है तहरी। आई होप अच्छी बनी हो, हल्की सी इसमें गैस है, भी बिल्कुल निकल गई थी, क्या हो गया है। ओहो आराम से, चलिए देखिए कितनी अच्छी बनी है हमारी तहरी, कितनी कलरफुल, ज़्यादा मतलब मसाले वाली भी नहीं बनी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल कितनी अच्छी और खिली खिली कितनी बनी है, आप देख सकते हैं बहुत ही खिली खिली हमारी तहरी बनी हुई है, ये देखिए। और बहुत ही हल्का सा ऐसे आप करछी मारिए और देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो ये सिंपल सी क्विक फिक्स वाली हमारी तहरी है, जो आप कभी भी बना सकते हैं। ये हमारी तहरी बनके रेडी हो चुकी है, इसमें आप कोरिएंडर से गार्निशिंग कर सकते हैं। और ये हमारी तहरी बनके पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल हैं, बहुत अच्छे से आपकी तहरी बनके तैयार हो गई है। तो आप गाइस, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो गाइस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ये बताना ना भूलें कि ये मेरी आपको रेसिपी कैसे कितनी अच्छी लगी, या इसको आप में और भी कुछ ऐड करना हो तो आप इसमें क्या ऐड करें। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा, सिंपल सी है, कभी भी भूख लगे तुरंत से बनाइए और जल्दी से खा लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ अच्छा और ऐसी ही नई नई चीज़ें लाती रहूँ। Bye-bye. As I'm my bestie in a taxi, fresh blowout, skin on town, she ready. Bitch, you look good with a T at the end. I'm a hyper every time, not my motherfucking.